बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्राणधार सुंदर साहब जी, कल की चर्चा में हमने हरिद्वार के शास्त्रार्थ के विषय को सुना, जो कि हम परसों से सुन रहे थे। कल का विषय था योग दर्शन के आचार्यों की पद्धति, अष्टांग योग का वर्णन। तत्पश्चात वेदांत दर्शन के आचार्यों की पद्धति, और उसके बाद सभी आचार्यों के द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री जी ने निजानंद संप्रदाय की पद्धति के रूप में जो उत्तर दिया, कल हमने उसकी चर्चा सुनी। संतों के सभी प्रश्नों का उत्तर सप्रमाण दिया गया, और कल जो हमने चर्चा सुनी उसको निजानंद संप्रदाय की पद्धति कहा गया। और अंतिम में हमने चौपाई पढ़ी कि धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रगट करी संप्रदाय है, तीन थे हम यह लखी हैं, हम द्वार पावे अब ते है, हम द्वार पावे अब ते है। तो या भांत की चर्चा बहुत भई मेला में जान। हरिद्वार में कुंभ के मेले में इस प्रकार की बहुत सारी बातचीत हुई, और श्रीजी ने शास्त्र सम्मत प्रमाण दिए, और उसके बाद सभी संत ज्ञानी विद्वान भिन्न भिन्न संप्रदाय के प्रतिनिधि ज्ञान दृष्टि से ये मानने को बाध्य हो गए कि इनकी बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, और हमारे प्रत्येक प्रश्न का ये उत्तर दे देते हैं, तो हम इन्हें किसी भी तरह से बांध नहीं पा रहे हैं। ज्ञान दृष्टि से ये साबित हो गया कि श्री जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और साथ ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दो प्रमाण मिले। देखिए, एक होता है शब्द प्रमाण और एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। शब्द प्रमाण का तात्पर्य है जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, वैसे कहा जाता है आप्तो उपदेश शब्द, कि आप्त विद्वानों के द्वारा दिया गया उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, जिनको हम अपने इंद्रियों से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, जिसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं होती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण में मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रामाणिकता अधिक मानता है, क्योंकि शब्द प्रमाण को उसने देखा नहीं है, और प्रत्यक्ष प्रमाण को, जैसे कहावत कही जाती है, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है उसके लिए कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर शब्द प्रमाण के विषय में संशय बना रहता है। तो शब्द प्रमाण से तो प्रमाणित हो चुका था, लेकिन दो प्रत्यक्ष प्रमाण मिले जिनका वर्णन शब्द प्रमाण के रूप में उन्हें मिला था, कि जब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे तो उस समय दो निशानियां होंगी। एक कि उस समय आकाश में धूम्र केतु तारा दिखाई पड़ेगा, जिसको पुच्छल तारा भी कहा जाता है, और दूसरा कि वह जो वर्ष होगा 12 मास का न होकर के एक मास न्यून अर्थात 11 मास का होगा। और हमने
कीर्तन की चौपाई में सुना है, प्रगटे निशान रे धूमर के तू खय मास, पर सुध ना करे अजु कोई इत। दोनों निशानियां उस समय प्रकट हुई। तो उस समय जितने साधु संत थे वहां, उन्होंने विश्वास कर लिया कि यही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। उन्होंने श्री जी की आरती भी उतारी, लेकिन जगत तब भी अचेत बना रहा। कहते हैं, तहां पैतीसा के बरस में भय निशान धूम्रकेत, खय भई एक मास की, इन समय जग भयो अचेत। संसार तब भी अज्ञानता की निद्रा में ही बना रहा, उन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई। और उसके पीछे दोषी कौन है? दोषी हैं हम, दोषी है हमारा समाज। भूतकाल में हम नहीं थे, और हम उस समय होते तो ऐसा कर देते, वैसा कर देते, ऐसा कहकर कि आप बच नहीं सकते। आपकी आत्मा भी उस समय किसी न किसी तन में थी, पर वर्तमान में आपने श्री जी की पहचान जग जाहिर करने के लिए क्या किया है? वर्तमान में अब तक समाज में मेरे विचार से कम 20-70 के आसपास ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने स्वयं को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप या बुद्धावतार घोषित किया है। और उन बुद्धावतारों में से कई लोग तो जेल में हैं, कई लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ संलिप्त पाए गए हैं, फिर भी उनके शिष्य अपने गुरु को अवतार घोषित करने में, उनका जयकारा लगाने में कोई कमी नहीं रखते। और एक हमारा समाज है कि श्री जी के लिए जो भी भविष्यवाणियां धर्म ग्रंथों ने की थी, विक्रमस्य गते अब्दे सप्त दशाष्ट त्रिकम यदा तदायम सच्चिदानंदो अक्षरात परतः परः, शालिवाहन शाकातु गत षोडक सकम शतम जीवधाराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति, ये श्री प्राणनाथ जी के प्रकटन की भविष्यवाणी थी। सुंदरी चेंदिरा नामाभ्याम चंद्र सूर्ययो माया अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धे भविष्यति कलो युगे, ऐसे कम से कम सैकड़ों दृष्टांत मिल जाएंगे जिसमें श्री प्राणनाथ जी के प्रकटन की भविष्यवाणी है। और हम उन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तथाकथित गुरुओं के जो शिष्य हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं कि हमने प्राणनाथ जी की पहचान को जग जाहिर होने नहीं दिया, और अगर उनकी पहचान को जाहिर किया भी तो किस रूप में किया? किसी संत कवि महापुरुष महान विभूति के रूप में, साधु के रूप में, किसी धर्म के प्रचारक के रूप में, किसी के शिष्य के, किसी के भक्त के रूप में। इसीलिए दुनिया अब तक भी अचेत बना हुआ है। अब श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर होकर समस्त संप्रदायों की फौज को जीतकर अब पुनः श्री जी दिल्ली आते हैं। दिल्ली में जहां सुंदर सात को छोड़ा हुआ था दाऊद पांडेय की हवेली में, तो हरिद्वार से आकर के उनसे मिलते हैं। और वहां एक सुंदर साथ है जिनका नाम है गरीबदास। पन्ना जी में आपने अष्टप्रहर की बीतक में सुना होगा, 36 कारखानों की जो सेवा है, आज के हिसाब से देखा जाए तो मैनेजमेंट की, प्रबंधन की जो सेवा है वो लालदास जी कर रहे होते हैं। पर ये सेवा प्रारंभ में लालदास जी के पास नहीं थी, पहले ये सेवा श्री जी ने दी थी गरीबदास जी को। खानसामा खिताब दीवान का कहिया कलाम खास, दीवान मतलब मंत्री होता है ना, तो ये शोभा गरीबदास जी को थी। और बाद में पन्ना जी में पहुंचने के बाद ये सेवा श्री लालदास जी को दी गई थी, तो यहां उनको ये सेवा मिली। हरिद्वार में 4 महीने रहने के बाद दिल्ली आकर के श्री जी ने सुंदर सात का हाथ पकड़ा, और वहां से सब सुंदर सात को लेकर के श्री जी ही पुनः चलते हैं अनूप शहर। अनूप शहर गए, वहां एक चौधरी थे, गांव के मुखिया थे, उनसे एक हवेली ली गई और सुंदर सात को वहां पर ठहराया गया।
दो दिन तक श्री जी का दर्शन करने के लिए आए, चर्चा सुनने के लिए आए। श्री जी की ज्ञान चर्चा से बाहरी रूप से प्रभावित होकर के एक उन्होंने गुलाब के इत्र का शीशा भी भेंट किया। वैसे तो गुलाब का जो इत्र है बहुत अधिक उसका कोई महत्व नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने श्री जी की सेवा की इसीलिए पूरी बीतक में जिस जिसने भी श्री जी की छोटी से छोटी सेवा की, हर सेवा को बीतक में लालदह जी ने स्थान दिया है। सोचिए सेवा का क्या महत्व है। देखने में भले ही अनावश्यक सी लगे, पर यदि किसी ने भी सेवा की है, हर सेवा के महत्व को बीतक में स्थान दिया गया है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि गुलाब का जो शीशा दिया या गुलाब के इत्र का शीशा दिया, श्री जी उससे बाहरी रूप से ऐसे कोई प्रभावित भी नहीं हुए होंगे, पर उसने सेवा तो की। कम से कम उसकी जितनी पहचान थी उतनी सेवा की, जिसको यहाँ पर स्थान दिया गया। वहाँ सुंदर साथ को ठहरा करके श्री जी पुनः दिल्ली आते हैं और शाहगंज नाम के स्थान में आकर के उतारा होता है, ठहराव होता है। वहां से बिहारी जी के पास एक पत्र लिखा जाता है और एक सुंदर साथ को बिहारी जी तक पत्र लिखने के लिए भेजा जाता है और फिर शाहगंज से आकर के लाल दरवाजे में मिलते हैं। लाल दरवाजे में अब विचार विमर्श किया जाता है कि औरंगजेब तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। आशाजीत को बुलाया जाता है और क्योंकि वो वकील है उससे सलाह ली जाती है, पर आशाजीत के सामने एक बार एक चर्चा आती है और उस चर्चा का विषय होता है नबी और नारायण। सनंद में यह प्रकरण आता है, सनंद नबी और नारायण की। अभी ग्रंथ अवतरित नहीं हुआ है पर प्रसंग चलता है, वहां पर चर्चा चलती है। नबी और नारायण की वास्तविकता क्या है? नबी मोहम्मद साहब को कहा गया है और नारायण जो है वो आदि नारायण है, जो अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत का मोह सागर में जो स्वरूप प्रतिबिंबित होता है वह है। तो नारायण हो गए मोह सागर का स्वरूप और मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्मा है, तो नबी हुए अक्षर ब्रह्म। इस दृष्टि से देखा जाए तो महिमा किसकी बड़ी है, नबी की अथवा नारायण की? महिमा तो नबी की बड़ी है क्योंकि वो अक्षर की सुरता है। लेकिन एक साधारण हिंदू जो यदि संकुचित मानसिकता से सोचेगा तो वो क्या कहेगा कि हम तो नारायण को परमात्मा मानते हैं और इन्होंने हमारे परमात्मा को छोटा बनाया है और मुसलमानों के जो पैगंबर है उनको बड़ा बनाया है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। यहाँ बात हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, यहाँ बात यह है कि हिंदू जिनको अपना आराध्य मानते हैं उनकी वास्तविकता क्या है और मुसलमान जिनको अपना रसूल मानते हैं उनकी वास्तविकता क्या है, केवल वो उसमें दर्शाया गया है। समस्त हिंदू साहित्य में कहीं पर भी नारायण को परमात्मा नहीं कहा है, नारायण परमात्मा नहीं है। और वेद, चाहे वेदों की 1127 शाखाएं हैं, चाहे आरण्यक है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, 11 उपनिषद, 6 दर्शन और यहां तक कि गीता, रामायण और महाभारत, प्रत्येक ग्रंथ में कहीं पर भी एक परमात्मा की भक्ति के अलावा बहुदेव की उपासना का वर्णन नहीं है। और जब नारायण परमात्मा ही नहीं है तो फिर हम भक्ति नारायण की क्यों करें? पर जब आंखों में पक्षपात की, ईर्ष्या द्वेष की पट्टी हो तो कोई क्या कर सकता है। आशाजीत इस बात को नहीं समझ पाया और कहता है कि आपने तो हिंदुओं के तरफ की कोई बात ही नहीं रखी। जब नारायण से बड़े मोहम्मद हैं तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्या रहा? अब हिंदू भला क्या करें?
फिर कहते हैं, मैं देखत हूँ इनको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे इन जिमी। मैंने ये तो सुना था कि बिना सिर के लोग होते हैं, कान से सुना था, पर आप लोगों को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि आप लोग बिना सिर के आदमी हैं। बिना सिर के आदमी का क्या तात्पर्य है? एक ये कि दिमाग ही नहीं है, बिना सिर का मतलब तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ बिना सिर के आदमी का तात्पर्य ये है कि जिसने अपना सर्वस्व बलिदान करने का सोच लिया हो, जैसे कहते हैं ना सिर पे कफन बांधना, इसी तरह से बिना सिर का होने का तात्पर्य कि अब हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, 300 तुम लड़त हो इत मोहे ना पड़े कल। आसाजीत कहता है कि एक तो कट्टर शरीयत का साम्राज्य है जिसमें हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं, और कोड़ में खाज की तरह औरंगजेब का शासन है। शरीयत तो है ही और उस पर औरंगजेब का शासन, और आप ये लोग अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते, ये परिणाम की चिंता नहीं करते कि इनका क्या होगा, तो ये क्या है? बिना सिर के आदमी है। क्योंकि सिर होता तो बचाने की चिंता होती, इन्होंने तो ओखली में सिर दे दिया है, तो ये बिना सिर के लोग हैं। इस तरह से वो हतोत्साहित करने का प्रयास करता है, जानबूझकर तो नहीं, पर उसकी जितनी समझ होती है उसी हिसाब से वो बात करता है। श्री जी ने देखा कि ये तो काम नहीं आ रहा है, ये जागनी में काम नहीं आने वाला है, तो उसको ढोकर के फिरने का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं, तब विचार करके छोड़ दिया इनको। अब आसाजीत की संगति छोड़ दी और विचार करने लग गए कि इनके कौन ऐसे नजदीकी हैं, कोई ऐसे नजदीकी व्यक्ति से मिला जाए जो औरंगजेब से मिला सके। इस तरह से विचार करते हुए शेख सलेमान के पास पहुंचते हैं। शेख सलेमान श्री जी से दो बार मिल चुका था, पर इसके मन में बेईमानी थी, लालच था। लालच क्या? वो चमत्कार मांगता था, जिसको वो कीमियागिरी कहते हैं। और कीमियागिरी मतलब ऐसा चमत्कार, छुमंतर वाला नहीं, हाथ की सफाई वाला नहीं, वो कैसा चमत्कार मांगता था? कीमियागिरी का शाब्दिक अर्थ होता है रसायन शास्त्र, आज के हिसाब से कहा जाए तो केमिस्ट्री। और रसायन शास्त्र में प्राचीन जो यूनानी लोग हैं वो भी ऐसे रसायनों का वर्णन करते थे जिनके लोहे पर डालने से लोहा सोना बनता है, अर्थात आज के युग में जिसको हम पारस मणि के रूप में जानते हैं। पारस मणि क्या है? पारस मणि पारा ही है, जो शुद्ध पारा होता है। थर्मामीटर में भी एक पारा वाला थर्मामीटर होता है ना, आजकल तो डिजिटल भी आने लगा है, तो जो शुद्ध पारा होता है, हमारी पुस्तकालय में एक पुस्तक है, उसका नाम है हिमालय के योगियों की गुप्त सिद्धियां। उसमें वर्णन आता है कि जो शुद्ध पारा होता है वो सोने को खाता है, अर्थात आप पारे के साथ में सोने का स्पर्श करा दीजिए, सोना गायब हो जाएगा, पर पारे का वजन उतने का उतना ही रहेगा। मान लीजिए कि 5 ग्राम पारा है और आपने 1 किलो सोने की जो ईंट होती है ना वो उस पारे के साथ रख दी तो सोना गायब हो जाता है। ये उस किताब में लिखा है, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतना सोना नहीं है और पारा भी नहीं है, पर उसमें लिखा है। तो जितना सोना स्पर्श कराया जाता है वो सोना समाप्त हो जाता है, पर पारे का वजन नहीं बढ़ता है। और ऐसे करते करते उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जब जब आप सोने को पारे के साथ स्पर्श कराएंगे तब तब वो सोना समाप्त होता जाएगा, और एक समय के बाद में अब पारा सोने को खाना बंद कर देता है। और जब वो सोने को खाना बंद कर देता है उसके बाद फिर लोहे को आप पारस के साथ स्पर्श कराते हो तो वो लोहा सोना बन जाता है, ऐसा उस साहित्य में लिखा है हिमालय के योगियों की गुप्त सिद्धियों में। अब इसमें कितनी सच्चाई है पूरी तरह से तो बात पता नहीं है, प्रैक्टिकली किया नहीं है, पर हाँ
क्योंकि रसायन शास्त्र के माध्यम से सोना बनाया जा सकता है, क्योंकि सोना भी तो एक तरह से तत्व ही है। और जैसे मान लीजिए कि गुण सूत्र जो भी है उस तत्व के, आज कृत्रिम रूप से उसी गुण सूत्र का प्रयोग करके सोना बनाया जा सकता है। और पहले भी अगर किसी ने कोई फॉर्मूला निकाला होगा उस समय में, सूत्र निकाला होगा, तरीका निकाला होगा, तो ये बात उस समय मुसलमानों में प्रचलित थी और शेख सलीमान उसी प्रकार की कीमियागिरी चाहता था। तो सुंदर सात से वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा, तुम्हारा काम मतलब औरंगजेब से भी मिला दूंगा, पर बदले में मुझे वो कीमियागिरी चाहिए, वो रसायन का ज्ञान चाहिए लोहे से सोना बनाने वाले। सुंदर साथ क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारे दिल में जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामना पूरी होगी। और वो कब पूरी होगी, अगर तुम हमारी बात मानते हो, हमारी भेंट बादशाह से करा देते हो, तो क्या होगा, हम बादशाह को जब इस्लाम की सच्चाई समझाएंगे, पूरी दुनिया में एक धर्म का साम्राज्य होगा, और जब पूरी दुनिया में एक धर्म का साम्राज्य होगा, ये जो आपस में लड़ मर रहे हैं वो विरोध समाप्त होगा, जब विरोध ही समाप्त हो गया तो क्या होगा, तुम्हारे जितने दुश्मन हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि विरोध समाप्त तो विरोधी भी समाप्त। और ऐसा होने पर तुम्हारा सिर गौरव से इतना ऊंचा होगा जो कि पहाड़ से भी ऊपर पहुंचेगा। और ऐसी अवस्था में, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से इतना बड़ा काम हुआ है, सारे संसार का धार्मिक विरोध समाप्त हुआ है, तो एक चमत्कारी की बात नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी चमत्कारी लोग होंगे, धातुओं की विद्या रखने वाले लोग होंगे, वे सब तुम्हारे चरण पकड़ेंगे, वे सब तुम्हारे अधीन होंगे। और सुल्तान का जो डर है वो कहीं भी नहीं रहेगा। और अगर तुमने ये सबाब वाला पुण्य वाला काम किया तो तुम्हें खुदा और रसूल दोनों का दीदार हो जाएगा। और ये बात सुंदर साथ ने मौखिक रूप से नहीं कही, लिखित रूप में दिया। अब जब लिखित रूप में दिया, लिखित रूप में देने का तात्पर्य तो क्या होता है, गारंटी देना, वचन देना होता है। शेख सलेमान ने जब वो पाती देखी वो डर गया, वो ये सोच करके डर गया कि बादशाह औरंगजेब अगर अपनी बादशाहत छोड़ देगा, उस फकीर के कदमों में आ जाएगा, तो हमारे वाले इस्लाम का क्या होगा। इसीलिए उसने सुंदर साथ की कोई भी मदद नहीं की। अब जहां से मदद की आस थी, मदद तो मिली नहीं। श्री जी ने लालदास जी और गोवर्धन जी को एक मौलवी के पास भेजा, उन्हें मौलवी के पास भेजा और ये कहा कि तुम जाकर के किसी से पूछो कि कुरान में हमारे विषय में क्या बात लिखी गई है। ऐसा नहीं कि श्री जी को पता नहीं है और उन्हें किसी से ऑथेंटिकेशन लेने की जरूरत पड़ रही है कि कोई मौलवी कह देगा कि आप ही आखिरी इमाम मोहम्मद मेहदी हैं, नहीं, पर साथ में सुंदर साथ है। जिन सुंदर साथ को इतनी बड़ी लड़ाई में कूदाना है, उनके हृदय में पूर्ण विश्वास आना जरूरी है श्री जी के ऊपर कि यही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप भी है। और उस विषय में तो हरिद्वार में वो देख चुके थे। लेकिन अगर कोई मौलवी ये कह देता कि आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी जाहिर हो चुके हैं और कयामत के निशान जाहिर हो चुके हैं, तो सुंदर साथ मान जाते हैं। श्री जी स्वयं कहते तो किसी किसी के मन में यह भी होता कि तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना, कोई दूसरा प्रमाण कहाँ है। तो इसलिए दूसरे से प्रमाण दिलाना आवश्यक होता है। हमारे यहाँ भी तो जब तक कोई हमारे ही सिद्धांत को विदेशी व्यक्ति ऑथराइज नहीं करता तब तक हम नहीं मानते ना। तो इसलिए अब मौलवी से पूछवाने के लिए लालदास जी गोवर्धन जी को भेजा। दोनों जाते हैं और एक मस्जिद में जाकर के मुल्ला की बात सुनते हैं। जब बात सुनते हैं लालदास जी को पहचान हो जाती है, कहते हैं कि ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान। ये कहाँ की बात है, ये हमारे घर की बात है।
उनके मन में निश्चित रूप से दृढ़ रूप से विश्वास हो जाता है। और इसी बीच गोवर्धन जी के मन में डर रहता है, वो सोचते हैं कि यदि ये बात हम श्री जी को जा करके कहेंगे तो बादशाह के पास औरंगजेब के पास किसे भेजेंगे, हमें ही भेजेंगे, और औरंगजेब सरियती कट्टर ये हमें मार भी सकता है, मरवा भी सकता है। इसलिए उन्होंने कहा लालदास जी को कि लालदास जी हम जाकर के श्री जी से ये बात नहीं कहेंगे, ये बात हम छिपा देंगे। लालदास जी के मन में क्योंकि दृढ़ विश्वास है, उन्होंने कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, क्या आपके मन में विश्वास नहीं है श्री जी के प्रति कि वो अक्षरातीत है। अब गोवर्धन जी ने सोचा कि ये तो दाव उल्टा पड़ गया, अगर लालदास जी ने जाकर के श्री जी के पास भेद खोल दिया, मेरे विषय में बता दिया तो क्या होगा, मेरी बदनामी होगी, श्री जी की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। वो रास्ते में ही झगड़ा होता है, दोनों रास्ते में लड़ते हैं और गोवर्धन जी पहले ही श्री जी के पास पहुंचते हैं। श्री जी भोजन कर रहे होते हैं तो जाकर के अब आज जो बात हुई होती है वो श्री जी से सुनाते हैं कि मौलवी ने क्या कहा। कहते हैं कि श्री जी साहब कुरान में तो हमारी ही बात लिखी है, आपकी बात लिखी है, परमधाम की बातें लिखी है। इस तरह से वो सारी बातें सच सच बोलते हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो। इतने में लालदास जी पहुंचते हैं और लालदास जी ने जब ये देखा कि मेरे सामने ये कुछ और बात कर रहे थे, श्री जी के सामने कोई और बात कर रहे हैं, तो लालदास जी ने कहा श्री जी आप हम पर विश्वास मत करना। किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने कि गोवर्धन जी पर विश्वास मत करना, उन्होंने कहा कि आप हम पर विश्वास मत करना क्योंकि हमारा इन चटाई पर मन रहत कछु और, यहां से ती उठ जात है तब चहन न रह बैठोर। कहते हैं कि हमारा ईमान जब तक हम आपके सामने चटाई पर बैठे होते हैं तब तक रहता है, जैसे ही यहां से उठते हैं तो हमें शांति नहीं मिलती है, तो हम अपने विश्वास पर टिके नहीं रहते। और ये बात गोवर्धन जी की नहीं है अकेले, ये बात हम सभी गोवर्धनों की है। जब हम पंडाल पर बैठ करके चर्चा सुन रहे होते हैं, राज्य की वाणी सुन रहे होते हैं, तो हमें हमारे मन में भी लगता है, जब जागनी के विषय में बात होती है तो हमें लगता है कि नहीं हमें भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई सेवा करनी चाहिए। जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमारे मन में लगता है कि हमें भी कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग देना चाहिए। जब हम चितवनी की बात करते हैं तो लगता है कि आज यहाँ से जाने के बाद तो मैं चितवनी की नियमित दिनचर्या बना लूंगा या बना लूंगी। इस तरह से हम चर्चा सुनते सुनते हम भी गोवर्धन जी की तरफ पूर्ण ईमान लेकर के आते हैं, लेकिन जैसे ही उठते हैं ऐसे कपड़े वपड़े साफ कर देना झाड़ते हैं तो सुना हुआ भी वहीं पर झाड़ करके चले जाते हैं। तो हम सभी की अवस्था गोवर्धन जी जैसी है। अब जैसे ही लालदास जी की बात सुनी, अब गोवर्धन जी को क्रोध आया और एक कहावत कही जाती है ना, चोरी और सीना जोरी, तो वो क्रोध में लालदास जी से कहते हैं कि आपने ये सब मुझे ही कहा है ना। लालदास जी कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, मैंने आपका तो नाम नहीं लिया था। अब श्री जी ने पूछा कि बात क्या है, दोनों में अचानक ही विवाद कैसे, तो पता चला कि रास्ते में क्या क्या बात हुई थी। अब श्री जी ने देखा कि मैं इनके भरोसे इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं और ये आपस में ही यदि इस तरह से लड़ रहे हैं, या इनका ही आपस में तथा मुझ पर ऐसा कमजोर विश्वास है, तो मैं किस के भरोसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। ये विचार करते करते उन्हें जोश आया और जोश में इतना अधिक जोश आया कि कोई श्री जी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। और उसी जोश जोश में श्री जी ने पुकार करके ये बात कही, कहते हैं लालदास धर्म ग्रंथों का रहस्य खोलने की शक्ति में तुम्हें देता हूं। और भीम भाई तथा मुकुंददास जी को कहते हैं कि आप लोग उदयपुर जाकर के जागनी कीजिए। गोवर्धन भट्ट को कहते हैं कि आप सूरत चले जाइए और मैं अनूप शहर चला जाता हूं। शेख बदल जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें हुक्म की शक्ति देता हूं। मुकुंददास जी को कहते हैं कि तारतम ज्ञान की शक्ति में तुम्हें देता हूं, तारतम ज्ञान से धर्म ग्रंथों के रहस्य को खोलने की चाबी।
जागृत बुद्धि की शक्ति बिंबाई जी आप को मैं दे रहा हूँ। इस तरह से अलग अलग सुंदर साथ को अलग अलग शक्ति देने की श्री जी ने बात की। अब कहते हैं, भागी सारी उलझन कोई न रहया काम, प्रातः को उठ ले चले अनुभ शहर के ठाम। अब सारी उलझन समाप्त हो गई, क्योंकि उलझन समस्याएं कब तक होती है? समस्या कब होती है? जब काम करना हो। अब कहते हैं, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो सारी उलझन समाप्त हो गई। और वहां से श्री जी अनुभ शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ मतलब जुलाई का महीना, बारिश होती है, निरंतर वर्षा हो रही है। और इस समय श्री जी की उम्र क्या है? 60 वर्ष के आसपास, क्योंकि इधर 35, 1735 है ना, और उधर 25, तो 60 वर्ष की अवस्था हो चुकी है। हमने ध्यान नहीं दिया ना कि 60 वर्ष की अवस्था है श्री जी की। 60 वर्ष की अवस्था में बरखत धारा अखंड निरंतर बारिश हो रही है, और श्री जी रास्ते में जा रहे हैं, और बारिश से भीगने की वजह से, और दूसरा क्योंकि जो जोश आया था उसका प्रभाव, क्योंकि मनस्थिति खराब हुई थी ना, तो मन की स्थिति का प्रभाव तन पर भी पड़ा, तनाव तो हुआ ही होगा, क्योंकि मिहिर राज जी का जीव तो लीला कर ही रहा है ना। तो एक तो तनाव है सुंदर साथ की स्थिति को देख करके, जोश आया है, और दूसरा निरंतर वर्षा हो रही है तो वो भी झेलना पड़ रहा है, तो उन्हें दस्त हुआ। मानिक भाई जी ने श्री जी को औषधि दी, और जब निरंतर दस्त हो रही है, रुकने का नाम नहीं है, तो श्री जी की उस अवस्था को देख करके लालबाई जी रोती हैं। मूल स्वरूप राज जी से अर्जी करती हैं, तो श्री जी सांत्वना देते हैं कि लालबाई, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, अभी मेरी सुरता परमधाम नहीं जा रही है, अभी तो मुझे बहुत सारा कार्य करना है, यदि कोई ऐसी बात होगी तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि परिस्थिति कहाँ तक पहुंची होगी कि लाल भाई जी रो रहे हैं। तो ऐसा कष्ट सहन करके श्री जी अनूप शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहीं अब राज्य के जोश की शक्ति जबराइल के द्वारा वाणी का अवतरण प्रारंभ होता है। क्या कहते हैं, उस वक्त जबराइल ने बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर। ये कह करके कि तुम्हें शोर मचाना है, अर्थात जागनी करनी है। वहां पर कौन कौन सी वाणी अवतरित होती है? वहां अवतरित होती है प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और सनंद। कलश की वाणी भी जागृति की वाणी है, प्रकाश की वाणी जीव को जगाने वाली वाणी है, और सनंद ग्रंथ में क्योंकि वेद और कतेब पक्ष का एकीकरण किया गया है, कुरान के 30 सिपारों का उसमें खुलासा किया गया, उसकी वास्तविकता को बताया गया है। तो इस प्रकार ये तीन ग्रंथ वहां पर अवतरित हुए। तो अनूप शहर में क्या कहते हैं, इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। सारे कार्य सिद्ध हो गए। अब सनंद ग्रंथ के अवतरण के पश्चात किसी मुसलमान से, मौलवी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं थी कि कुरान में क्या लिखा है, उसके संपूर्ण भाव सनंद ग्रंथ पर अवतरित हो चुके थे। तो इस तरह से श्री जी ने विचार किया कि इस सनंद ग्रंथ को पढ़ करके सभी सुंदर साथ का ईमान दृढ़ होगा, और ये बात अगर सकुमार तक भी पहुंचे, औरंगजेब तक भी पहुंचेगी, तो वो भी टूक टूक हो जाएगा। इस तरह से विचार करते हैं। अब वहां से जहां सुंदर साथ ठहरे हुए थे उस घर पर पहुंचे हुए हैं। सब सुंदर साथ इस खबर को सुनकर के प्रसन्न होते हैं कि इस प्रकार सनंद ग्रंथ का अवतरण हो चुका है, जिसमें कुरान की वास्तविकता दर्शाई गई है। अब श्री जी ने शेख बदल जी को हुक्म दिया, कहते हैं कि तुम इस सनंद को लेकर के जाओ, और ले जाकर इसको सुल्तान तक पहुंचाओ।
शेख बदल श्री जी के आदेश को सिरोधार्य करके चलते हैं। सनंद को सिर पर रख करके गए हैं, हृदय में पूर्ण विश्वास लेकर के। जब दिल्ली पहुंचते हैं तो जुम्मे के नमाज का समय हुआ रहता है, जुम्मा अर्थात शुक्रवार का नमाज, जो मुसलमान बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जाते हैं ईदगाह में और वहां जाकर के सनंद की वाणी का गायन करते हैं। लोग सुनते हैं, सुन करके उनको लगता है कि बात तो सच है, पर समस्या क्या है? कहते हैं, कोई कहे हिंदवी मिने लिखे माहे कलाम, बाता तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस ठाम। कहते हैं कि बात तो सच लिखी है पर हिंदी में लिखी है, इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है, हिंदी में लिखी बात को हम नहीं मानेंगे। अब इस प्रकार शेख बदल जी ने तो अपना काम कर लिया। वहां पर सनंद सुना करके गनीबी की हवेली में जाते हैं। वहां जाकर के वो फिर से सनंद का गायन करने लगते हैं। उसमें एक प्रकरण आता है बिना एक मोहम्मद का। बिना एक मोहम्मद की जो सनंद है उसमें क्या बताया है कि इस संसार में अब तक मोहम्मद साहब के आगमन से पहले जितने भी पैगंबर इत्यादि हुए, 1,20,000 पैगंबरों की बात की जाती है। नूर नामा एक ग्रंथ है जिसमें 1,20,000 पैगंबरों का वर्णन किया है। तो कहते हैं कि बहुत सारे पैगंबर हुए, बहुत सारे संदेशवाहक हुए, पर उनमें मोहम्मद साहब के जैसा कोई भी नहीं हुआ। अब वहां एक सैयद बोलता है कि तुम कहां ये जाहिलों जैसी बात करते हो, इतने सारे पैगंबर हुए, तुम एक मोहम्मद का नाम क्यों लेते हो। अब उससे शेख बदल जी का झगड़ा होता है और झगड़ा करके वो अपने घर चले जाते हैं। कहते हैं इनमें तो ईमान ही नहीं है, कितना भी सुनाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर 2-4 दिन के पश्चात श्री जी पुनः अनूप शहर से लौट करके आते हैं। शेख बदल जी को बुला करके पूछते हैं कि काम कहाँ तक हुआ है। शेख बदल कहते हैं कि श्री जी, कोई कहता है हिंदी में है, किसी के मन में बेईमानी है, मानते हैं पर विश्वास नहीं करते। इस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं पर परिणाम नहीं निकल रहा है। अब यहाँ बैठे हैं, कहते हैं फिर बैठे विचार को, इन बाता सुनी न कान, लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान। श्री जी ने कहा लालदास जी और गोवर्धन जी को कि आप जाइए और शेख सलेमान के पास जाकर के औरंगजेब से मिलाने का आग्रह कीजिए। देखिए ये प्रसंग मुझे बहुत अधिक महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि लालदास जी और गोवर्धन जी में इतना बड़ा झगड़ा हो चुका है और उस झगड़े के परिणाम स्वरूप श्री जी को इतना जोश आया, श्री जी की वो अवस्था हुई और सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्री जी अनूप शहर पहुंचे हैं। तो सोचिए झगड़ा कितना बड़ा हुआ होगा। अगर हमारे जैसे होते तो शायद जीवन भर एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, पर श्री जी ने दोनों को एक साथ अगले मिशन पर भेजा है और दोनों साथ में जाते भी हैं। उनमें किसी भी तरह का मनोमुटाव नहीं है कि देखो तुम्हारी वजह से ऐसा, वो एक दूसरे पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा है। श्री जी की आज्ञा सिरोधार्य कर रहे हैं, दोनों ने अब लक्ष्य को ध्यान में रखा है और दोनों साथ साथ में सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये हम सबके लिए सिखापन है कि हमारे हृदय में भले ही मस्तिष्क में मतभेद हो पर मन भेद ना हो। मतभेद हो सकते हैं क्योंकि कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जिसके जितने सिर होते हैं उतने ही विचार होते हैं। मेरे मन में किसी एक विषय में एक विचार होगा तो आप उसी विषय में अलग तरीके से विचार कर सकते हैं। सबके काम करने की शैली भिन्न भिन्न हो सकती है पर मन में भेद नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी अब दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं, शेख सलेमान के पास जाते हैं, औरंगजेब से मिलाने का आग्रह करते हैं। वो कहता है आज मिलाऊंगा कल मिलाऊंगा, ऐसा करते करते 2 महीना बीत जाता है, 1-2 दिन नहीं। आप सोचते जाइए, आप ये कल्पना करते जाइए, कोशिश कीजिए कि हम वहां तक पहुंचे,
हमारी कल्पना वहां तक पहुंचे कि किसी एक व्यक्ति के पास 2 महीने तक मिन्नत करना ये सरल नहीं है, ये तभी संभव है जब हमारे अहंकार को पूरी तरह से मिटा दिया गया हो। कोई व्यक्ति किसी के पास जाकर के कितनी बार हाथ जोड़ सकता है? हमें तो आदत ही नहीं है। हम यदि किसी के पास जाकर के कोई काम कह देते हैं कि ये काम कर दीजिए, अगर वो नहीं करता है, दोबारा कहने में हमें झिझक होती है कि एक बार कह चुके हैं, दोबारा कह दिया तो तीसरी बार कहने में अब हमारा अहंकार आड़े आता है कि कितनी बार कहें, और अगर चौथी बार कहना होगा तो हम सोचेंगे हमारा काम थोड़ी है, व्यक्तिगत काम थोड़ी करवा रहे हैं, ज्ञानपीठ का काम है, सेवा का काम है, करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे, हमें क्या लेना देना, ऐसा सोच करके हम पीछे हट जाते हैं। पर 2 महीने तक उन्होंने प्रयास किया। क्या कहता है शेख सलेमान? कभी कहता है आज मिलाऊंगा, कभी कहता है कल मिलाऊंगा, कभी कहता है कि पहले तुम वेश बदलो, हिंदुओं के वेश में नहीं मिलेंगे। ऐसे करते करते वो मिलने नहीं देता है, और इतने में दिल्ली से लाल दरवाजे में जहां ठहरे होते हैं वहां से हट करके, वहां से उठकर अब आते हैं रोहिल्ला खान के सराय में। सराय रोहिल्ला आज भी दिल्ली में स्थान है, मेट्रो से आप जाएंगे तो आता है रास्ते में। तो वहां पर अब जो चिट्ठी लिखी गई थी पहले, जिसमें 22 प्रश्न थे, उनको फारसी भाषा में अनुवाद कराया जाता है, और फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए जो दयाराम जी दिल्ली के सुंदर साथ थे वो किसी को लेकर के आते हैं जिनका नाम होता है कायम। ये वो है कायम जो श्री जी के साथ रह करके अनुवाद कराते कराते उनके मन में श्री जी के लिए इतना विश्वास आता है कि वो स्वयं भी 12 मोमिनों में शामिल होकर के औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। पहले तो वो पैसे पर रहे थे, कहते राखा चाकर दे महीना, वास्ते लिखने इन काम, पैसा दे करके रखते हैं नौकरी पर कि आप अनुवाद करो हम आपको पैसे देंगे। लेकिन बाद में उन्हें भी श्री जी की सेवा करने का मन होता है और औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। इस तरह 22 प्रश्नों को वो संवाद के रूप में तैयार करते हैं, और उस संवाद को कहा गया है शेख जी मीरा जी का बयान। आप हमारे ज्ञानपीठ से प्रकाशित साहित्य में इसको पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा था। मीर जी और शेख जी का बयान है जिसमें सारी हकीकत, कयामत की सारी हकीकत उसमें लिखी गई है। अब उसको जिल्द बांध करके चिट्ठी के रूप में तैयार किया जाता है, और एक औरंगजेब का जो गुरु था, धर्म गुरु जिसका नाम होता है शेख निजाम, उसके पास भेजने का प्रयास किया जाता है। कुछ दिन तक जाते हैं, प्रयासरत होते हैं, पर वो भी सुंदर साथ देखते हैं कि ये भी लायक नहीं है, भले ही ये धर्म गुरु है पर धर्म का ज्ञान नहीं है, या फिर ये स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह से सुंदर साथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, इतने में एक सूरत का व्यापारी था, चांदनी चौक में श्री जी से मिला था। वो कहता है कि मेरे पास दज्जाल नामा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें क्या है, उसमें है दज्जाल की शक्ति के बारे में कि दज्जाल क्या क्या कर सकता है। श्री जी को लगा कि देखा जाए एक बार, उन्होंने कहा दे दो। तो लालदास जी को भेजा श्री जी ने, वो वादा करता था कि आज नहीं कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसे करते करते वो मुकर गया। फिर बाद में कहता है कि मेरे पास तफसीर हुसैनी है। लालदास जी ने पूछा कि तफसीर हुसैनी में क्या है, तो वो सौदागर कहता है कि कुरान का फारसी में अनुवाद है, हुसैनी ने किया है, और कुरान की सभी टीकाओं में तफसीर हुसैनी सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। अब लालदास जी ने श्री जी से जा करके अर्जी करी, श्री जी ने कहा कि वो किताब चाहिए। लालदास जी जाते ही 4 दिन तक वो झूठा वादा करता ही रहा, तो वहां पर दयाराम सुंदर साथ जी हाजिर थे। उन्होंने कहा श्री जी आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं इस किताब को ला सकता हूँ। श्री जी का आदेश लेकर के वो गए, और अब जहां पर साहित्य वगैरह उपलब्ध होते थे इस्लाम के साहित्य, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं मुसलमान हैं और उन्होंने हमें तफसीर हुसैनी मंगाई है,
उनके पास 40 रुपया था, 38 रुपए में वो किताब मिली तफ़सीर हुसैनी, जो वहां से लेकर के श्री जी के पास आए और श्री जी के चरणों में वो समर्पित किया। अब श्री जी ने उसको पढ़ करके अनुवाद करके सुनाने के लिए कायम जो उन प्रश्नों का अनुवाद कर रहे थे फारसी में कायम मुल्ला, उनको कहा तो सबसे पहले प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत पढ़ी, जिसमें तीन तकरार का संकेत किया है, ब्रज रास और जागनी के बारे में संकेत किया है। तो उसको पढ़ते ही श्री जी को आनंद की अनुभूति हुई, कहते हैं हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आए इत, ये तो वही बात है जो हमको कही थी, ये तो वही बात है जो श्री देवचंद्र जी ने हमसे कही थी कि हमारे बारे में इसमें संकेत किया गया है। फिर इन्ना आते ना सूरत पड़ी, जिसमें जमुना जी के विषय में, हौज कोसर के विषय में संकेत किया गया था। इस तरह से पढ़ते जाते हैं। श्री जी तीन दिन तक इधर उधर कहीं नहीं गए और निरंतर वो सुनते गए कि हमारी बातें कैसे लिखी हुई है। और फिर अब क्योंकि सनंद का अवतरण भी हो चुका है, श्री जी ने जगह जगह पर पाती लिखवाई और पत्र में क्या कहते हैं, क्योंकि भीम भाई जी, मुकुंद जी, इन सबको श्री जी अलग अलग जगहों पे पहले भेज चुके हैं। अनुपसर जाने से पहले श्री जी ने पत्र लिखा और पत्र में कहते हैं, सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। कि भीम भाई जी, मुकुंद दास जी, आप हमारी बात सुनिए, हमने मोहम्मद साहब की पाती को पढ़ा, कुरान को पढ़ा जो मोहम्मद लेकर के आए थे, और उसमें तो हमारी ही धाम की बात, हमारे ही घर की बात लिखी है, जिसकी वास्तविकता को हमने पढ़ा, और हमारे घर की बातें हैं तो उसे हमारे अलावा और कोई समझ नहीं सकता है, और दूसरा तो कोई तब समझ सकता है जो कोई परम धाम से हमारे अतिरिक्त आया हो। इस तरह से पाती लिख करके सब जगह पर भिजवाया गया, जहां जहां याद आता गया सभी जगहों पर पाती भिजवाई गई, ताकि सुंदर साथ इस समर्पण भरे कार्य के लिए एकजुट हो सके। इस समय एक विशेष घटना होती है कि नौतनपुरी से तीन सुंदर साथ आते हैं, प्रेम जी, नाग जी और संग जी। इस भाव से आते हैं क्योंकि अब इतने वर्ष हो गए कोई सुंदर साथ नौतनपुरी नहीं जाता है, क्योंकि नई जागनी तो हो ही नहीं रही थी। श्री देवचंद्र जी की श्रद्धा भाव के कारण, देवचंद्र जी के प्रति श्रद्धा भाव के कारण जो पहली पीढ़ी जा रही होगी, उनमें भी कईयों का तो धामगमन हो चुका होगा, क्योंकि कितना समय हो चुका है, 1712 में देवचंद्र जी का धामगमन हो गया और 1735, मतलब लगभग 23 वर्ष का समय हो चुका है। इसमें हो सकता है कि एक पीढ़ी तो धामगमन हो चुका है और नई पीढ़ी को चर्चा सुनाने वाला कोई है नहीं, वाणी उनके पास नहीं है कि जागृत हो सके, तो कोई अब नौतनपुरी नहीं जाता होगा। पहले तो श्री जी सभी लोगों को नौतनपुरी जाने के लिए प्रेरित करते थे, अब किसी का आना जाना ही कम हो गया, तो हो सकता है चढ़ावा भी उसी तरह से कम हो गया। तो अब वो श्री जी को समझाने के लिए आते हैं नौतनपुरी की महिमा, गादी की महिमा। लेकिन जब आते हैं तो वहां देखा उन्होंने कि यहाँ तो मोहम्मद की बात हो रही है, खुदा की बात हो रही है, अलग अलग धर्म ग्रंथों से। जब चर्चा होती है श्री जी की, इस जोश में चर्चा होती है कि सुंदर साथ को वहीं पर राज्य का दर्शन होता है, और किस रूप में होता है, जिस रूप में वो चाहते हैं, देत दीदार सबन को साईं, जिन्हों जैसा चाहिए, जिसको जैसे रूप में, कोई श्री कृष्ण जी के रूप में देखना चाहता है उसी रूप में दिखाई पड़ते हैं, कोई श्री देवचंद्र जी के रूप में जानता है तो उसी रूप में दर्शन होता है, कोई परमधाम वाले स्वरूप के रूप में देखना चाहे तो उसी रूप में दर्शन होता है। अब तीनों सुंदर साथ को श्री जी के माध्यम से राज्य का इस प्रकार से दर्शन होता है, और तीनों सुंदर साथ ये भी देखते हैं कि श्री जी के द्वारा वेद और कतेब दोनों पक्ष का एकीकरण हो चुका है, ईसा और मोहम्मद अर्थात श्यामा जी और अक्षर की आत्मा जो है, दोनों का ज्ञान एक हो चुका है। अब तीनों सुंदर साथ जागृत होते हैं।
अब उनके मन में जो भी बातें थी जो श्री जी को समझाने के लिए आए थे अब स्वयं ही समझ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम तो भूल में थे जो इन्हें समझाने आए थे। चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि हम अब लो भूले थे है इत बात मोमे। ब्रह्म सृष्टियों के वास्तविक बात तो यहाँ से हो रही है। श्री देवचंद्र जी को हम देखा है इत तुम ईमान लियाइयो जो कोई होवे तित। कोई भी आप सुंदर साथ हैं तो आप इस बात को देख करके ईमान लिख करके आए कि हमने इन्हीं के तन में देवचंद्र जी को देखा है। इस तरह जहाँ जहाँ वो चिट्ठी भेज सकते थे सभी जगहों पर चिट्ठी भेजी गई। और श्री जी ने यहाँ क्या किया, शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए। जब शेख बदल और नाग जी को एक करने का भाव क्या है, एक मुसलमान है एक हिंदू है, पर श्री जी के चरणों में दोनों एक हैं और उसी में संघ जी भी शामिल हुए हैं और सभी को श्री जी के द्वारा परम धाम के प्रेम का रसास्वादन कराया जाता है। इस तरह कुफर सारा दिल का भाग गई सब सक, एक दिन होए मिले ल्याए ईमान ऊपर हक। मन का जो संशय था अज्ञानता रूपी कुफर था वो सब समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार प्रेम जी नाग जी और संघ जी 22 दिन तक श्री जी की संगति में उनके सानिध्य में रहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रेमदास जी हैं, उनके मन में आता है कि मुझे वापस नहीं जाना है। नाग जी और संघ जी चले जाते हैं क्योंकि घर में जो अवस्था छोड़कर के आए होंगे हो सकता है कि उनसे मिलना हो, पर प्रेम जी के मन में होता है कि मैं यहीं पर रह जाऊं। वो श्री जी के चरणों में ही रह जाते हैं। लेकिन ये दोनों वापस गए और जैसे ही श्री जी के पास से वापस लौटते हैं, मैंने कहा ना ईमान जो है वो चटाई पर, सबके पास चिट्ठी लिखी गई, लेकिन यहाँ से निकलते ही अब सोचने लग गए कि जाना कहाँ पर है, जल में मगर के पास, और जल में रह के मगर से बैर नहीं किया जा सकता है, तो हमने बिहारी जी से बैर क्यों लिया जब उन्हीं के पास जाना है। तो इसलिए रास्ते में जहां जहां से होते गए जिन जिन से मिलते गए अब वहां पुनः बेईमानी की बात करने लग गए। कहते हैं साथ में जहां मिले तहां बातें दूदिली करे। अब दो तरफ की बात करते हैं। कहते हैं जब इत से पीठ दई तब घेरे शैतान बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान। यहां से उठते ही हृदय में अब अज्ञान तरूपी शैतान आ गया। सोचिए कि राज्य का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, उन्हें चर्चा नहीं सुनी है, दर्शन होने के बाद भी माया कितनी बलशालिनी है कि ईमान को छीन लेती है। हम माया को ऐसी वैसी समझते हैं ना, ए माया छे अति बलवंती। अब वहां से गए नौतनपुरी में, जैसे बिहारी जी के पास गए बिहारी जी ने देखा इतने नाराज हुए कि वहां से उठ करके चल दिए। कहते हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और उठ करके चले गए। ये लोग भी पीछे पीछे भागते हैं। कहते हैं बिहारी जी किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए कि मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। 3 दिन तक मनाया, बिहारी जी नहीं माने। कहते हैं कि तुम्हारे देवचंद्र जी तो वही है ना, तुम्हारे राज्य वही है, वही चले जाओ, और तुमने तो सब लोगों के लिए चिट्ठी भी लिखी, जब वही राज्य है तो मैं कौन हूं और मैं जब कोई हूं नहीं तो मेरे पास क्यों आए हो। तो अब उन्होंने क्या किया, तब ठौर ठौर पाती लिखी अपने फिरे की मत कोई लियाइयो ईमान तरफ श्री जी साहेब जी। अब उन्होंने पुनः चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी लिखी कि हमने हमारा ईमान वापस लौटा लिया है, अब श्री जी के चरणों में कोई भी ईमान लेकर के मत आना। इस तरह की एक विशेष घटना दिल्ली के बीतक में घटित हुई। अब उधर ये तो हो गई प्रेम जी नाग जी और संघ जी की घटना। उधर औरंगजेब को जगाने का प्रयास चल रहा है। रोहिल्ला खान की सराय में बैठ करके सब सुंदर साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। पहले शेख निजाम के वहां गए थे, अब रिजवी खान के पास 10-20 दिन तक जाते हैं, कोई भी उचित उत्तर नहीं देता है, कोई भी उचित प्रतिक्रिया नहीं देता है। अब वहां
शेख वाजिद नाम का एक फकीर रहता था। 10 बार उनके घर जाते हैं, एक बार नहीं, 10 बार घर पर गए, कयामत की बात सुनी। इसी तरह से सागर मल्ल हैं, उनके घर पर भी 10 बार गए, बीतक सुनाई, परमधाम की बातें सुनाई, वो भी नहीं जगा। इसी तरह से सागर मल्ल के यहाँ से बख्तावर के वहाँ आते हैं, उनके वहाँ जाते हैं, चर्चा सुनाते हैं, पर इनमें से किसी की भी जागनी नहीं होती। ये सभी कहीं ना कहीं औरंगजेब के दरबारियों में से थे, क्योंकि उसके दरबारी में कुछ हिंदू भी तो नौकरी करते थे ना, पर कोई भी जागृत नहीं होता है, कोई भी नहीं समझता है। अब रोहिल्ला खान की हवेली में 4 महीने तक रहते हैं और 4 महीने रहने के बाद आते हैं वापस चांदनी चौक। चांदनी चौक में कुछ समय रहने के बाद में एक दुली चंद नाम के व्यक्ति हैं जिनकी हवेली में रहते हैं, लेकिन वहां पर आस पड़ोस के जो लोग हैं वो बहुत विरोध करते हैं। अब वहां से उठ करके एकांत स्थान पर श्री जी जाते हैं और सोचते हैं कि चिट्ठी लिखी जाए, क्योंकि अब तक मौखिक रूप में जा रहे थे, अब चिट्ठी लिख करके सबके पास भेजना प्रारंभ किया जाए। हर तरह से जागने का प्रयास चल रहा है। आज के समय में अगर श्री जी प्रत्यक्ष रूप से होते तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होता जिससे वो जागने का प्रयास नहीं करते। उस समय के जितने माध्यम थे हर माध्यम से प्रयास किया गया। अब 5 चिट्ठी लिखी गई जिसमें कयामत के निशानों के विषय में, कयामत की वास्तविकता लिखी गई, जिसमें लिखा गया कि ईसा रू अल्लाह का आगमन हो चुका है, इमाम मेहंदी आ चुके हैं, अशराफिल जबराइल का आगमन हो चुका है, और जिनके आने का संकेत क्या है, कुरान में लिखा है कि जब ये आएंगे तो आजूज माजूज जाहिर होंगे, दाबतुल अर्ज नाम का जानवर दिखाई पड़ेगा, प्रकट होगा, पश्चिम से मगरब से सूर्य उदय होगा, कब्र से मुर्दे उठेंगे। तो ऐसे ऐसे जो लक्षण जो कयामत के लिखे गए हैं ये सारे निशान जाहिर हो गए। इस तरह से 5 चिट्ठी लिख करके तैयार की गई। और वो चिट्ठी किस किस के लिए लिखी, एक शेख इस्लाम, एक शेख निजाम, 2 हो गए, तीसरा रिजवी खान, चौथा आकिल खान और 5वां सिद्दीक फौलाद। एक धर्मगुरु है, एक मंत्री है, एक कोतवाल है, एक इमाम है, एक जो है वो कुरान का प्रशिक्षण देने वाला है। इस तरह से 5 अलग अलग दरबारियों के पास चिट्ठी भेजने का निर्णय हुआ। और चिट्ठी भेजने के लिए सेवा किसको दी जा रही है, कांजी भाई को। कांजी भाई ने हर जगह पर बड़ी बड़ी सेवा संभाली है। वैसे हम लालदास जी का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तो सेवा की ही है। श्री छत्रसाल जी का नाम लेते हैं, राजा राम झांझन भाई का नाम लेते हैं, पर अब तक हम देख रहे हैं कि जहां जहां भी मामले बड़े हैं वहां वहां कांजी खड़े हैं। चाहे श्री जी को अहमदाबाद से निकालने की बात हो, चाहे औरंगजेब के दरबारियों के पास चिट्ठी भेजने की बात हो, कोई छोटी बात थोड़ी है। दरबारी का मतलब, आज मैं आपको कहूं कि ज्ञानपीठ से एक तमस के पार साहित्य है, एक ब्रोशर है, लेकर के जाना है सरसावा थाने में, पुलिस को देना है, वहां के जो SHO होंगे उनको देना है, या सहारनपुर में DM को देना है। आप में से कितने लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं थाने तो नहीं जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। और ये जा रहे हैं औरंगजेब के दरबारी के पास। आज तो आपको अपनी बात कहने की पूरी छूट है, उस समय साम्राज्य था शरीयत का कट्टर, और वहां कांजी भाई दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं। और उन उसमें भी लिखा क्या है वो भी तो देखिए, तमस के पार लेकर के जाना तो बहुत आसान है ना। मान लीजिए कि कोई ऐसा पुलिस अधिकारी है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसके बारे में आपको पता है, तो क्या आप चिट्ठी में ये लिख करके ले जा सकते हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुमने यहाँ यहाँ पर यह गड़बड़ी की है। उन चिट्ठियों में ऐसा ही लिखा हुआ था,
मुसलमानों को कुरान की कयामत की बात समझाई गई थी, तो ये तो ऐसा ही हुआ ना। सांप के बिल में हाथ डालने का काम है और इतना बड़ा काम कांजी भाई ने किया है, उसमें क्या लिखा था देखिए। कयामत के सात निशान को हम संक्षेप में समझते हैं, और मैं संक्षेप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए 20 दिन हो चुके हैं, आज 21वां दिन है और अभी हमें बहुत सारा प्रसंग देखना है, इसलिए संक्षेप में सुनेंगे। हाँ, जहाँ कहीं संदेश मूलक बातें होंगी उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन जो घटनाएं हैं जिसको हम हर वर्ष सुनते आए हैं तो उसको मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। कयामत के सात निशान में है इमाम मेहदी का जाहिर होना, इशारो अल्लाह का जाहिर होना, असराफिल जबराहिल का आना और आजूज माजूज का प्रकट होना, दाबतुलर जानवर का प्रकट होना और काना दज्जाल का गधे पर सवार होना, मुर्दे का कब्र से उठना, पश्चिम से सूरज का उगना, ये निशान है। प्रमुख सात निशान कहे जाते हैं, इसके अलावा भी छोटी छोटी और भी निशानियां हैं। जैसे कहते हैं गिरे भुने मुरग आसमान से, कहते हैं कि भुने हुए मुरग, मुरग मतलब मुर्गा नहीं, एक सुरीली आवाज में बोलने वाली पक्षी है, वो गिरेंगे ऐसा कहा है कुरान में। इसी तरह से कहते हैं कि मिस्री के ईंटों की बारिश होगी, ऐसे ऐसे निशान है, पर प्रमुख रूप से सात निशानियां कही जाती है, जिनमें से इमाम मेहदी का तात्पर्य होता है, इमाम का तात्पर्य है धर्मगुरु। तो स्वयं अक्षरातीत श्रीराज जी, खुद खुदा अल्लाह ताला इमाम मेहदी के रूप में जाहिर हुआ है, ईसा रूह अल्लाह अर्थात अल्लाह की रूह श्यामा जी जाहिर हुई हैं, ये तो समझ में आ रहा है। जबराइल जो है जिसको जिब्रिल कहा गया है, शुद्ध शब्द है जिब्रिल, जो राज्य के जोश का फरिश्ता है, और असराफिल जो है वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, जिसको हिंदू साहित्य में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति कहा जाता है, ब्रह्म की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों प्रकट हुए हैं इस तरह से। अब अगला निशान क्या है, दाभतुल अर्ज। दाभतुल अर्ज एक ऐसा जानवर बताया गया है, कहते हैं कि ऐसा जानवर होगा कयामत के समय में, कयामत मतलब महाप्रलय का समय या कलयुग का अंतिम चरण, ऐसा समझ लीजिए हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर, केवल भाषा का ही तो भेद है। तो दाभतुल अर्ज कैसा होगा, कहते हैं कि आकृति देखने में थोड़ी मनुष्य की जैसी होगी, हाथी के जैसे कान होंगे, सुअर की जैसी आंख होगी, मुर्गे की जैसी गर्दन, शेर की जैसी छाती, गीदड़ की जैसी पीठ और सिर पर पहाड़ी बैल के जैसा सींग होगा। इसका भाव क्या है, हाथी के जैसे कान कैसे, अर्थात हाथी बुराई बहुत जल्दी सुन लेता है, हाथी को अगर गाली दिया जाए या उसकी बुराई की जाए वो बहुत जल्दी सुनता है और दुश्मनी ले लेता है, और हाथी से दुश्मनी कोई क्यों लेगा, इतना ताकतवर होता है। इसलिए हाथी के गले में घंटी होती है ताकि वो बुराई की आवाज न सुन सके, इसीलिए घंटी की आवाज उसको सुनाई जाती है। तो मनुष्य ही वो दाबतुल अर्ज है, मनुष्य के अंदर ही वो जानवर वाली प्रवृत्ति है, पाशविक प्रवृत्ति है, और आज तो मनुष्य पशुओं से भी गिरा हुआ है। आज मनुष्य को पशु कहना पशु का अपमान है, ऐसी प्रवृत्ति है। तो मनुष्य बुराई बहुत जल्दी सुन लेता है, तो वो हाथी का कान है। आंखें सुअर की कैसी, सुअर भी क्या करता है, सुअर की प्रवृत्ति बुराई देखने की होती है, गंदगी देखने की और गंदगी ही खाने की। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य भी बुराई बहुत जल्दी देखता है, किसी में सैकड़ों अच्छाई हो वो नहीं देखेगा, बुराई को बहुत जल्दी देख लेगा और उसको अपनाएगा भी। तो वो बुराई को देखने की प्रवृत्ति सुअर की आंख है। मुर्गे की गर्दन क्या है, आपने मुर्गे को कभी झुका हुआ देखा है, कब झुकता है वो, जब वो दाना खाना होता है ना, आप मक्का धान गेहूं कुछ डाल दीजिए या कीड़ों को वो खाता है, तो खाने के लिए सिर्फ झुकता है और तुरंत उठ जाता है। इसी तरह से मनुष्य के अंदर अहंकार रूपी मुर्गा है जो झुकता नहीं है, वो कब झुकता है, जब उसका स्वार्थ पूरा होने वाला होता है, तब मनुष्य कहता है कि जरूरत पड़ने भी तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तब वो झुकता है।
वैसे नहीं झुकता है। आपके पास स्वार्थ होगा तो वो आपके पैर भी पकड़ेगा, और जैसे ही स्वार्थ सिद्धि होगी तो हम आपके हैं कौन, ऐसा कह करके चला जाएगा। तो ये अहंकार की जो प्रवृत्ति है न झुकने वाली, यह मुर्गे की जैसी गर्दन, शेर की जैसी छाती का तात्पर्य क्या है? शेर कठोर होता है, क्रूर होता है। इसी तरह से मनुष्य के अंदर की कठोरता शेर की छाती को दर्शाता है। शेर तो फिर भी पेट भरने पर ही खाता है, पेट भरने पर भी ही मारता है, लेकिन इंसान कब किसी को मार दे, कब किसी का खून कर दे, कोई अता पता ही नहीं। और बहुत सारे तो इंसानी राक्षस ऐसे हैं जो खुद केवल हंसी हंसी में, मजाक मजाक में भी किसी का खून कर सकते हैं, केवल ऐसे ही मनोरंजन के लिए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे मनोविकार से ग्रस्त लोग हैं, बहुत सारे साइको सीरियल किलर से मनुष्य ही तो है, जबकि शेर भी ऐसा नहीं करता होगा मनोरंजन के लिए हत्या। तो ऐसी क्रूर प्रवृत्ति है मनुष्य के। इस तरह से पीठ जो है वो गीदड़ की जैसी, गीदड़ की पीठ कमजोर होती है। कैसे कमजोर? कि उसको एक मुक्का भी मारा जाए तो कहते हैं कि गीदड़ मर जाता है, पीठ टूट जाती है उसकी। मनुष्य की भी पीठ कमजोर है। इसका भाव क्या है? कि मनुष्य की पीठ धर्म का भार उठाने में सक्षम नहीं है। माया का भार उठाने में तो वो मजबूत है, माया का भार उठाने में तो इतना मजबूत है कि जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी हो रही हो, शादी में अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा होगा और आप अगर उससे धर्म के कार्य के लिए कुछ मांगने जाइए तो वो 500 रुपए दे करके बोलेगा रसीद दे दो। समझ में? माया के काम के लिए जितना खर्च कर सकता है वो, उसका 5% भी धर्म के लिए, समाज के लिए नहीं करता है। वो कहता है मैं क्यों करूं, जबकि केवल अहंकार के लिए, झूठे शान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए व्यय कर देता है। तो ये हो गया धर्म का भार उठाने में कमजोर पीठ गीदड़ की। और पहाड़ी बैल के सींग क्या है? पहाड़ी बैल, आप में से जो लोग पहाड़ की तरफ गए होंगे, वहां जो खेत होती है वो सीढ़ी नुमा खेत होती है, सीढ़ी जैसे। तो पहाड़ी बैल क्या करता है? अपने सींग की खुजली को मिटाने के लिए वो खेत के मेड़ में सींग को मारता रहता है, रगड़ता रहता है। छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है उसमें सींग रगड़ता है। इसी तरह से मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपनी अहंकार की खुजली को समाप्त करने के लिए छोटे छोटे अपने से कमजोर प्राणियों में अपना सींग रगड़ता रहता है, मतलब उनको परेशान करता रहता है। मनुष्य अपने से कमजोर मनुष्य को सताता है। कोई उससे थोड़ा गरीब है, कोई उससे थोड़ा कम जानने वाला है, कोई उससे शारीरिक रूप से कमजोर है, अगर उम्र में छोटा है, तो ऐसे लोगों को सताया जाता है। स्कूल कॉलेज में आप देख लें, रैगिंग होती है तो कौन करता है? सीनियर लोग जूनियर की रैगिंग करते हैं। ये सब क्या है? ये है पहाड़ी बैल की सींग, जिसकी खुजली ऐसे समाप्त नहीं होती है और रगड़ता रहता है। तो ये हो गया दाबतुल अर्ज, जो कि मनुष्य की ही पाशविक प्रवृत्ति है, जो कयामत के समय में देखने को मिलता है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं। इसी तरह से आजूज माजूज जाहिर हो गए हैं, ऐसा लिखा है। आजूज माजूज क्या है? ये है, दो चूहे बताए गए हैं, सफेद और काला चूहा, एक 100 हाथ का, एक 1 हाथ का। ये क्या है? दिन और रात हैं, जो मनुष्य की उम्र को हरते रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि अष्ट धातु की दीवार है जिसको ये चूहे चाटते रहते हैं, दिन भर चाटते हैं, और रात पूरी रात में वो दीवार वैसे के वैसे हो जाती है। दिन भर चाट करके पतली कर देते हैं और रात को फिर वो दीवार वैसे की वैसी हो जाती है। जिस दिन वो दीवार ये चूहे चाट करके समाप्त कर देंगे, उस दिन कयामत आ जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इसका भाव क्या है? मनुष्य का जो शरीर है वो अष्ट धातु की दीवार है, और दिन भर मनुष्य काम करता है तो ये क्या है? दिन भर
आजूज की जो फौज है वो इस शरीर को चाटती रहती है। चाटने का तात्पर्य ये है, आप देखेंगे शाम तक इंसान काम कर करके इतना थक जाता है, ऐसा लगता है कि यार मर गया। फिर रात को वो सोता है, सुबह उठता है तो फिर तरोताजा महसूस करता है, फिर सुबह से वही काम करता है। जब से सूरज देख ही लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे याही के फेर। सूर्योदय होते ही फिर से सभी प्राणी अपना अपना काम करने लगते हैं। और जिस दिन ये शरीर पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, उस दिन उसके लिए प्रलय आ जाएगा। तो ये दो चूहे हैं, आजूज और माजूज। और इसी तरह से पश्चिम में सूर्योदय होना है। पश्चिम में सूर्योदय का तात्पर्य क्या है? पहले कुरान का जो ज्ञान आया वो आया अरब में मुसलमानों के लिए। अब वही कतेब पक्ष का जो ज्ञान है वो कयामत के सात निशान और वो आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी, वो किन में आए? हिंदुस्तान में, भारत वर्ष में, हिंदू तन में। तो वो हो गया पूरब पहले और उसके विपरीत पश्चिम में सूर्योदय हुआ। पूरब में जो सूर्य उदय हुआ वो हुआ वो बिना प्रकाश का था। बिना प्रकाश का सूरज अर्थात ज्ञान तो अवतरित हुआ पर उससे किसी को भी लाभ नहीं मिल पाया, कोई भी कुरान के वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाया। अब वही जो वास्तविक ज्ञान है श्रीजी के द्वारा जाहिर हो चुका है। तो पश्चिम में सूर्योदय भी हुआ, दावतुल अर्ज जानवर भी जाहिर हुआ। अब कब्र से मुर्दे उठने का भाव क्या है? कब्र से, कब्र में जो गाड़े गए मुर्दे हैं वो तो उठेंगे नहीं कभी, क्योंकि उनका शरीर तो पांच तत्वों में विलीन हो चुका है, पूरा गल चुका है। हड्डियां भी कुछ सालों में मिट्टी बन जाती है, पर यहाँ पर कब्र से मुर्दे उठने का भाव है। हमारा शरीर ही ये कब्र है जिसमें हमारी जो चेतना है वो मुर्दे के समान अर्थात अज्ञानता की नींद में मरी हुई है। जैसे मरे हुए को कुछ शुद्ध नहीं है, इसी तरह से बेशुद्ध पड़ी है। तारतम्य ज्ञान ग्रहण करके आत्मिक जागृति होना, हमारे अंदर की आत्मा को जागृत करना, ये है कब्र से मुर्दे का उठना। इस प्रकार कयामत के सातों निशान जाहिर हो गए हैं। ये लिख करके कांजी भाई को पत्रवाहक बना करके इन पांचों लोगों के पास कांजी भाई ने चिट्ठी भेजी। और लोग पूछते हैं कि ये चिट्ठी किसने दी, तो वो नाम नहीं लेते, वो कहते हैं कि पहाड़ी पर कोई साधु रहते हैं जिन्होंने दिया है, हमें तो इस बारे में कोई पता नहीं है, हम तो पेटार्थ हुए। पेटार्थ मतलब पेट पालने के लिए चिट्ठी इधर उधर ले जा करके देने का काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं उसका पैसा देते हैं जिससे कि हमारा पेट भरता है। सबसे पहले काजी के पास गए, शेख इस्लाम के पास। उसने जब ये बात पूछी, कांजी भाई ने इसी तरह से जवाब दिया। पूछते हैं कि किसी और के पास भी भेजना है, तो कहते हैं चार लोग और हैं, उनका नाम लिया। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम बाकी चारों को भी देख के आओ, हम पांचों लोग विचार विमर्श करके उत्तर देंगे। शेख इस्लाम के बाद शेख निजाम के पास जाते हैं, उनको भी चिट्ठी दी जाती है। इसी प्रकार सवाल पूछा जाता है, किसने भेजा है, कहाँ से आए हो? कांजी भाई वही जवाब देते हैं कि हमें पहाड़ी पर से एक फकीर ने भेजा है और इसमें कयामत की बातें लिखी है। और लिखने वाले का नाम है सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। फिर पूछा जाता है कि किसके पास भेजा है? कांजी भाई कहते हैं पांच लोगों के पास भेजा है, शेख इस्लाम को देख के आ रहा हूँ, आप दूसरे हैं। इस प्रकार वहां से जाकर के आकिल खान के पास जाते हैं। आकिल खान, आकिल मतलब अकलबंद, वो नाम के अनुरूप बुद्धि की चतुराई दिखाता है और कहता है कि देखो इसमें मेरा तो नाम नहीं लिखा है। जैसे चिट्ठी जिसको भेजी जाती है उसको नाम लिखा जाता है ना, पांचों चिट्ठी में नाम नहीं लिखा था। आकिल खान कहता है कि मेरा तो नाम ही नहीं लिखा है, मैं क्यों लूं, मैं नहीं लूंगा। वहां से निराश होकर के जाते हैं रिजवी खान के पास, चिट्ठी देते हैं। इसी तरह से पूछा जाता है, कांजी भाई वही उत्तर देते हैं और फिर जाते हैं सिद्दीक फौलाद जो कोतवाल था उसके पास। सिद्दीक फौलाद के पास जाते हैं और उनको भी चिट्ठी दी जाती है। और इस तरह से पांचों के पास जाकर के पुनः श्री जी के चरणों में आते हैं और श्री जी के चरणों में आकर के जो भी बात घटित होती है, जिन जिन ने जैसा जैसा उत्तर दिया सारी बात बताई।
आकिल खान ने पत्र नहीं लिया, उसकी भी बात बताई और फिर श्री जी के आदेश पर उत्तर लेने के लिए 15 दिनों तक उनके घर में जाते रहते हैं। प्रतिदिन जाते हैं, उत्तर पाने की कोशिश करते हैं। शेख निजाम कहता है कि देखो, तुम छोटा मोटा मुद्दा लेकर के नहीं आए हो, ये मुद्दा कयामत का है। क्योंकि तुमने इमाम मेहदी के आने का दावा किया है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सुल्तान का काम है और हम सब मिलकर के इकट्ठे होकर के ही तुम्हें जवाब दे सकते हैं। सिद्दीक फौलाद तो कहता है कि मैं तो देखो कोतवाल हूँ, मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो लड़ाई करने का है, कुरान के विषय में जवाब देने का काम तो मुल्ला मौलवियों का, काजियों का है, तो मैं नहीं कर सकता। इस तरह से सब लोग अपना अपना जवाब देकर के टाल देते हैं। फिर रिजवी खान के पास जाते हैं। रिजवी खान के पास जाकर के जब उत्तर मांगते हैं, पहले कहते हैं कि देखो, मैं तो तुम पर प्रसन्नता के वचन लेकर के आया हूँ, कयामत के वचन लेकर के आया हूँ। देखो कितनी खुशी की बात है। रिजवी खान क्या कहता है? रिजवी खान कहता है कि तुम कहते हो कि तुम खुशखबरी लेकर के आए हो, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें मार डालना चाहिए। क्यों मार डालना चाहिए? कहते हैं कि अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, जोरू लड़के घर की छूट जात सब कैद। कि जब कयामत जाहिर हो गया, अगर कयामत के समय में तो अभी तो हमारे दिल में माया की इच्छा है, पत्नी शादी करने की इच्छा है, बच्चों की इच्छा है, घर परिवार घर बसाने की इच्छा है, और तुम्हारी बातों के अनुसार तो हमारी कोई इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए तुम्हें तो मार डालना चाहिए, क्योंकि कयामत आएगा तो हम सब मर जाएंगे। हमारे समाज में भी ऐसे रिजवी खान की कमी नहीं है, जो क्या कहते हैं, चितवनी करोगे तो शरीर छूट जाएगा, परम नाम का दर्शन होगा तो शरीर छूट जाएगा। और शरीर छूटने से डर क्यों? क्योंकि उनको इसी बात की चिंता है। किस बात की चिंता? जोरू लड़के घर की सब छूट जात कैद। सुंदर साहब भी तो यही सोचते होंगे ना कि चितवनी करेंगे तो तन छूट जाएगा, क्योंकि राज्य दिखेंगे तो तन छूट जाएगा और फिर माया की इच्छा पूरी नहीं होगी। वरना अगर मान लो, पहली बात तो यह है कि ब्रह्म सृष्टि राज्य को देख करके कोई तन नहीं छोड़ेगी। कहते हैं जो हक देखे टिक क्या रहे, सोई अर्ष के तन। इंद्रावती जी का तन नहीं छूटा, इतने ब्रह्म मुनियों का नहीं छूटा, तो ऐसे कैसे छूट जाएगा? बावसिंह का छूटने के पीछे कारण कुछ और है, वो आपको समझने की जरूरत है, वो हम जब औरंगाबाद के प्रसंग में पहुंचेंगे तो उस समय चर्चा करेंगे। पर मान लीजिए कि अगर छूट भी जाए, राज्य का दर्शन पाने के बाद तन छूट जाए, तो सौदा सस्ता है। और अगर उस सस्ते सौदे को भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिजवी खान की तरह हमारे मन में भी संसार की उम्मीद है। अब यहां से भी पांचों जगह से दुखी होकर के कानजी भाई श्री जी के पास लौटते हैं और लौट करके कहते हैं कि श्री जी, ये तो कोई भी उत्तर ढंग से नहीं दे रहे हैं, सब एक दूसरे पर टालते रहते हैं, आज और कल करते रहते हैं, अब क्या करें। इस तरह 2 महीने हो गए, 2 महीने तक पत्रों के पीछे भागते रहे। श्री जी के पास बैठ करके अब सुंदर साथ ने विचार विमर्श किया। उसमें 2 तरह के सुंदर साथ हैं, वैसे तो सुंदर साथ में कोई तरह नहीं है, पर 2 स्थान के, एक जो सूरत से घर बार छोड़कर के आए थे अथवा सूरत से निकलते हुए श्री जी के साथ थे, और दूसरे जो दिल्ली के सुंदर साथ हैं। दोनों सुंदर साथ, स्थानीय और बाहर के सब सुंदर साथ मिलकर के विचार विमर्श करते हैं कि श्री जी साहब, आपने वाणी के माध्यम से कतेब के इस रहस्य को खोल दिया है जो कोई और खोल नहीं सकता है, लेकिन औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर यदि आपकी अनुमति हो तो हम वेश बदल कर जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मारेगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कहते हैं जो कदी मार डारही
तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिकर। जब हमारी परात्म परम धाम में है हमें मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। इसीलिए यदि आपकी अनुमति हो तो हम औरंगजेब तक संदेश पहुंचाएं। और दूसरी बात, उसके अंदर भी अगर परमधाम की आत्मा है तो हमें वो क्यों मारेगा, इतना तो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से विचार विमर्श होता है, सोचते हैं कि किसी तरह से संदेश पहुंचा जाए, पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। शाम के समय में दिल्ली के जो सुंदर साथ हैं वो सभी श्री जी से मिलकर के अपने अपने घर आते हैं। श्री जी के पास कोई नहीं ठहरता, इसलिए नहीं ठहरते क्योंकि कहीं लोगों को शंका ना हो जाए। श्री जी तक अगर लोग पहुंच जाते, किसी तरह से कोई भनक लगती तो संकट हो सकता था, ये सोच करके चुपके से मिलने जाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वापस अपने घर आते हैं। घर आने के बाद रात को मिल करके मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके सनंद गायन करते हैं और इतने प्रेम से गाते हैं, गाते गाते व्रज जी के प्रेम में डूबते हैं, उन्हें जोश आता है। संसार नहीं दिखता है कि दुनिया के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं। वो अपने वाणी का गायन कर रहे हैं और इस तरह से नित्य प्रतिदिन ये कार्यक्रम चलता रहता है। एक दिन इसी क्रम में नंदलाल घड़ियाल जी मिलते हैं। नाम नंदलाल है, काम उनका घड़ियाल जी का है। घड़ियाल जी का तात्पर्य क्या है, वो मस्जिद में घंटी बजाने का काम करते थे, उनकी नौकरी थी। घंटी बजाने का तात्पर्य, आजकल की तरह पहले तो हाथ हाथ में घड़ी मोबाइल ये सब तो होता नहीं था, तो समय बताना हो तो कैसे बताना। एक स्थान पर जैसे मान लीजिए कि या तो रेत वाली घड़ी होती थी या पानी वाली घड़ी, ठीक है, उससे समय का पता चलता था। और फिर एक बार घंटी बजा दी जाती थी और उस घंटी की आवाज से पूरे शहर को अंदाजा होता था, जहां जहां तक आवाज जाती थी सबको अंदाजा होता था कि इतना बज चुका है। एक बार एक बजने पर एक बार घंटी बजी, दो बजने पर दो बार, इस तरह से घंटी बजाने का काम करते थे नंदलाल जी। इस तरह से नंदलाल जी श्री जी तक पहुंचते हैं, शायद उन्हीं सुंदर साथ के माध्यम से जो सनंद का गायन कर रहे थे, पूरे परिवार के साथ ईमान लेकर के आते हैं। इसी तरह से राजा राम, शिव राम, ये सब भी श्री जी के दर्शन में आते हैं। अब इन सब ने मिलकर के, राजा राम, शिव राम, सब ने मिलकर के ये विचार विमर्श किया कि एक रुक्का बनाया जाए, चिट्ठी जैसा, जैसे आजकल की भाषा में जिसको हम पॉम्पलेट कहते हैं, ऐसा तैयार किया जाए सूचना पत्र, और जिसको मस्जिद के गुसल खाने में, गुसल खाना मतलब जहां पर लोग नहाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं नमाज से पहले, वजू जिसको कहा जाता है, तो वजू किया जाता है, तो वहां पर चिपकाया जाए। अब कोई भी गुसल खाने में जाए बिना तो नमाज पढ़ने जाएगा नहीं, और जो जो भी वहां जाएगा वो सब इस चिट्ठी को पढ़ेंगे और उस चिट्ठी में हम कयामत की बात लिखेंगे। अब उसमें कयामत के सातों निशान लिखे गए और उस चिट्ठी को चिपकाने का जो जिम्मा है वो नंदलाल घड़ियाल जी को दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं चिपका दूंगा क्योंकि मेरी तो नाइट ड्यूटी है, रात को वहां पे काम करना है, वहीं पर मैं चुपके से चिपका दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब रात को उन्होंने चिपका दिया। सुबह हुई नमाज के लिए, अब मुसलमान आते हैं, उसमें लिखा गया है पत्र में कि कोई भी मुसलमान इस रुक्के को पढ़े बिना अगर नमाज पढ़ने जाता है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अब हर मुसलमान उसको पढ़ता है, उसमें कयामत की बात लिखी हुई है। इस तरह से पढ़ते पढ़ते दिन का एक प्रहर होता है, मतलब सुबह के लगभग 9 बज जाते हैं सारे लोग, क्योंकि सभी मुसलमान नमाज पढ़ते थे और हर मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले वजू करता है, और वजू करने के लिए अब ऐसी जगह पर चिट्ठी चिपकाई गई कि उसे पढ़े बिना कोई अंदर जा ही नहीं सकता है। इस तरह से पूरे दरबार में शोर मच गया। सोचिए कैसा आइडिया लगाया सुंदर साथ ने, पूरे दरबार में शोर मच गया कि किसी ने तो चिट्ठी चिपकाई जिसमें कयामत की बात की गई है। सुल्तान तक भी ये खबर पहुंची। सुल्तान ने उस चिट्ठी को उखड़वा करके मंगवाया अपने पास, और मंगा करके जब पढ़ा
तो पढ़ते ही औरंगजेब समझ गया, क्योंकि बुद्धि तो बहुत तेज थी उसकी। उसने पढ़ा और सबसे पहले शेख सलेमान पर गुस्सा उतारा कि शेख सलेमान, जिन लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है वो तेरे पास जरूर आए होंगे, तूने मिलने नहीं दिया इस वजह से मजबूर होकर के उन्होंने चिट्ठी चिपकाई होगी। ये बात चिट्ठी से इस तरह से मेरे तक क्यों आ रही है, तूने मुझे वो सूचना क्यों नहीं दी, तुझे तो मैंने इसी काम पर रखा था, इसलिए मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। शेख सलेमान को नौकरी से निकाला गया और शेख निजाम जो धर्मगुरु था उसका बेटा अब्दुल्ला उसको वो काम दिया गया और औरंगजेब ने कहा कि पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दो कि जिसने रुक्का चिपकाया है जुम्मे की नमाज को जब बादशाह निकलेगा तो उस समय आकर के अपनी फरियाद रख सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला भी घनघोर कपटी, उसने क्या ढिंडोरा पिटवाया क्योंकि वो भी नहीं चाहता था, क्योंकि शेख निजाम के पास तो बार बार चिट्ठी लेकर के आ रहे थे ना सुंदर साहब, तो वो उसी एक ही घर में तो रहते हैं पिता पुत्र, तो उसको पता होगा कि ये वही लोग हैं, तो वो भी कयामत का संदेश औरंगजेब तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। तो उसने ढिंडोरा पिटवाते हुए क्या कहलवाया कि जुम्मे की नमाज को बादशाह जब जाएंगे तो हर फरियादी अपनी बात बादशाह के पास रख सकता है, चिट्ठी रख सकता है। अब जो दिन जुम्मे का था, लालदास जी और निर्मलदास जी तो समझ गए कि ये हमारे लिए ही है, पर बाकी बहुत सारे लोग आए हुए थे जो अपनी अपनी फरियाद लिए हुए थे। लालदास जी निर्मलदास जी जाते हैं अब्दुल्ला के पास जाकर के अपनी चिट्ठी दे देते हैं। वो देखता है कि अच्छा ये तो वही बात है, कयामत की बात है, वो उसको फाड़ करके अपनी जेब में डाल देता है, क्योंकि उसको भी डर था कि कहीं कयामत जाहिर ना हो जाए। अब लालदास जी ने देखा तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि अब्दुल्ला तुमने ऐसा क्यों किया, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने रुक्का चिपकाया था, हमारे लिए ही बादशाह ने गुस्सा करके सुलेमान को नौकरी से निकाला था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें खुदा का डर नहीं है। इस तरह से जब आवाज दी, अब बादशाह कब तक वहां रुका रहता, उसको तो दरबार के और भी काम है, वो तो चला गया। और अब्दुल्ला ने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई और एड़ लगा करके घोड़ा चल गया। अब घोड़े के पीछे पीछे इंसान कितना भागते भीड़ में, थोड़ी देर तक पीछा किया लेकिन अब बेचारे वो भी पीछे ही रह गए। और ये सारी बातें उन्होंने श्री जी को पत्र में लिख करके भेजा कि किस तरह से हमने प्रयास किया पर हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाया। अब उस पत्र में लिखते हैं कि श्री जी साहेब, एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्रीराज, हुक्म तुम्हारे से करे पैगाम का हम काज। श्री जी बहुत प्रयास करके देखा, अब एक हमारा अंतिम प्रयास देख लीजिए आप, हम उसे भी आपके आदेश को सिरोधार्य करके ही करेंगे। अब हम सीधी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं, आप जब हमारे सिर पर खड़े हैं अर्थात पल पल हमें अपने सानिध्य में रखा है तो हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, हमें आपके चरणों पर पूर्ण विश्वास है, अब हम इन्हें अपने ज्ञान रूपी हथियार से मारेंगे और हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। ये चिट्ठी लिख करके कांजी भाई के हाथ से फिर पुनः भेजा गया। श्री जी ने पाती लिखी तो तुरंत जवाब भेजा, कहते हैं तुम आकले न होइयो मैं आवत हो सिताब, कि सुंदर साथ आप जल्दीबाजी मत करना काम करने में, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले मैं मिलाप करूंगा और मिलने के बाद साथ में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे तभी आगे का निर्णय लिया जाएगा। अब अगले दिन ही श्री जी पहुंचते हैं चांदनी चौक में एक क्षत्रिय की हवेली में ठहर करके सब सुंदर साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। तो सुंदर साथ कहते हैं कि श्री जी कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए। क्या कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। और सुंदर साथ
आप में से अगर किसी के भी मन में जरा सा भी डर है मृत्यु का, तो आप भी एक तरफ हो सकते हैं, पर हम पीछे नहीं हटने वाले। हमें तो केवल श्री जी आपके हुक्म की आवश्यकता है। हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार, और बात न जाने ही बिना तुम परवर दिगार। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम, हमको और न सूझ ही बिना करे यह काम। हमने तो धर्म पर अपना सब कुछ समर्पित किया है, हमें इसके अलावा और कोई काम नहीं दिख रहा है। कहते हैं श्री जी इन सब का जोश देख करके प्रसन्न हुए और सबको सांत्वना दी। कहते हैं कि आपके प्रयास से कार्य अवश्य होगा। कहते हैं जोश इनों का देख के श्रीराज भय खुशाल, तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल। सब सुंदर साथ को श्री जी ने बहुत प्रेम से सांत्वना दिया, उनका जोश देख करके श्री जी भी प्रसन्न हुए। अब यहां से 12 सुंदर साथ इकट्ठे होकर के औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। वो औरंगजेब जो अपने किसी भी विरोधी को बख्शता नहीं था, वो औरंगजेब जो तख्ता पलट का संकेत पाते ही संशय होते ही उसे मरवा देता था, जिसने अपने बाप को नहीं बख्शा, जिसने अपने तीनों भाइयों को नहीं बख्शा, ऐसे क्रूर औरंगजेब के पास ये 12 सुंदर साथ अपनी जान को मुट्ठी में रख करके सिर पर कफन बांध करके जाते हैं। और जाने के बाद परिणाम क्या होता है? औरंगजेब तो फिर भी सुनने की फिराक में है, लेकिन उसके दरबारी सुनने नहीं देते और औरंगजेब के कान में भी भ्रम डाल देते हैं और गलत तरीके से सुंदर साथ से पूछताछ की जाती है। उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से यातना दी जाती है, और उन प्रताड़ित सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए श्री जी कैसे चिट्ठी लिखते हैं। दो चिट्ठी है, एक छोटी पत्री एक बड़ी पत्री। वैसे तो एक ही बार में भेजी थी, पर उसको छोटी और बड़ी पत्री के नाम से दिया गया है। तो उस चिट्ठी में श्री जी ने सुंदर साथ को कैसे संबोधित किया है, जो कि जागनी के रास्ते में चलने वाले हर सुंदर साथ के लिए हमेशा जब तक संसार रहेगा तब तक कारगर होने वाला है। उस चिट्ठी की हकीकत क्या है, ये सारी अभी तक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। जोश इनो का देख के श्री राज भय खुशाल, दई दिलासा तब बड़ी देख मोमिनो हाल, देख मोमिनो हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार, बोलो श्री सतगुरु महाराज।